कौवा को रोटी खिलाने से होते हैं कई लाभ। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 10 फायदे। जी हाँ गाइस, 10 फायदे आपको मैं बताने वाला हूँ। कौवा जो है अमूमन हर जगह पे पाया जाता है। कई बार कौवा आपके घर पे आ जाता है। कई बार जो है कई लोग कौवा को रोटी खिलाते हैं और लोग यह भी जानना चाहते हैं कि कौवा को रोटी खिलाने से क्या लाभ होता है, कौवा को रोटी क्यों खिलाई जाती है, कौवे को रोटी देने से क्या होता है। तो आइए जानते हैं विस्तार में कि क्या क्या फ़ायदा होता है। तो कौवा को रोटी खिलाने के बेसिकली 10 जबरदस्त फायदे होते हैं। तो कौवा को भोजन खिलाने से शत्रु का नाश होता है। शनिवार के दिन काले कौवे को रोटी खिलाने से पहले रोटी के ऊपर अपने शत्रु का नाम लिख दें। अब लगातार 21 दिनों तक इस तरह से कौवे को रोटी अगर आप खिलाते हैं तो धीरे धीरे शत्रु आपके नाश होते चले जाएंगे। कौवे को तेल लगाकर रोटी खिलाने से मन में कुछ बुरा होने की संभावना जैसे विचार खत्म हो जाते हैं। कौवे को रोटी खिलाने से व्यक्ति के साथ कोई अनिष्ट नहीं होता है या इसकी संभावना कम हो जाती है। हिंदू धर्म में गाय को रोटी खिलाने की परंपरा है। गाय को माता लक्ष्मी का रूप भी माना जाता है। कई बार आपके परिवार में सदस्य वह मृत्यु के बाद नीच योनि के अंदर चले जाते हैं, इससे परिवार या व्यक्ति पर पितृदोष लग जाता है। ऐसे में कौवे को श्राद्ध पक्ष में रोटी खिलाने से पूर्वजों को तृप्ति मिल जाती है और उनके कष्ट कम हो जाते हैं। इससे आपके पूर्वज जल्द ही नीच योनि से मुक्त हो जाते हैं। चौथा, घर की छत पर सुबह के समय कौवा अगर काँव काँव करके बोलता है तो इसका भी शुभ संकेत होता है। माना जाता है कि इससे आपका घर शुद्ध हो जाता है। इस दौरान कौवे को रोटी खिलाने से पुण्य फल की प्राप्ति भी होती है। हालांकि आजकल लोग छत पर से पशु पक्षियों को भगा देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। गुरु पुराण के मुताबिक बताया जाता है कि कौवा को यमराज का प्रतीक माना गया है। ऐसे में कौवा को रोटी या भोजन खिलाने से यमराज प्रसन्न होते हैं और जीवन की कई परेशानियां दूर हो जाती हैं। यदि कोई कौवा बार बार किसी जीवित इंसान के आसपास मंडराता है तो इसका मतलब है कि जल्द ही उस इंसान की मृत्यु होने वाली है। छठा, काला कौवा को भगवान शनि का प्रतीक माना जाता है। शनिवार के दिन काले कौवे को रोटी खिलाने से कुंडली के अंदर शनि दोष और शनि की 7.5 का प्रभाव कम हो जाता है। काले कौवे को प्रत्येक शनिवार रोटी खिलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति के जीवन को कष्टों से मुक्त करते हैं। सातवां, कौवे को रोटी खिलाने से बिजनेस और घर में आर्थिक नुकसान होने से बचाता है। रोजाना कौवे को रोटी खिलाने से बिजनेस में होने वाले आर्थिक नुकसान जल्द ही बंद हो जाता है। वैसे भी हिंदू धर्म में जानवरों और पशु पक्षियों को भोजन कराना पुण्य का काम माना जाता है। इस संसार में प्रकृति ने सिर्फ मनुष्य को ही विवेकशील प्राणी बनाया है, इसलिए व्यक्ति को अन्य पशु पक्षियों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। आठवां, कई बार कुंडली में काल सर्प दोष लग जाता है। कुंडली में राहु और केतु के बीच जब कभी ग्रह आ जाते हैं तो कुंडली में काल सर्प दोष लग जाता है। ऐसे में काले कौवे को रोटी खिलाने से कुंडली में काल सर्प दोष का असर कम या फिर खत्म हो जाता है। काल सर्प दोष से प्रभावित व्यक्ति या तो रोज राजा की जिंदगी जीता है या फिर दाने दाने के लिए भटकता रहता है। नौवां, कई बार पहले कौवा घर की छत पर बैठकर बोलता था, तब लोग कहते थे कि कौवा तब ऐसा करता है जब घर में कोई अतिथि आने वाला होता है। कौवा का घर की छत पर बोलना घर में अतिथि के आने की सूचना देता है। यदि छत पर कौवे दिखे तो उसे रोटी अवश्य खिलाना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। दसवां, कौवे को रोटी खिलाने से पति पत्नी को सुख संतान की प्राप्ति होती है। रोजाना रोटी को पानी में भिगोकर कौवे को खिलाने से दंपत्ति का संतान सुख की प्राप्ति होती है। रोजाना कौवे को रोटी खिलाने से शनिदेव प्रसन्न रहते हैं और अपनी कृपा बरसाते रहते हैं। शनिदेव की कृपा दृष्टि प्राप्त व्यक्ति अपने जीवन में सभी सुखों को भोगता है और उनके जीवन में शनिदेव कष्ट बिल्कुल नहीं देते। आज की वीडियो यही देखते हैं।